हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर जिनके साथ आपका जिस भी तरह का रिश्ता है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। निकालते हैं कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द मास्टर। नेक्स्ट वी हैव फीलिंग अलोन, फाइव ऑफ कप्स। ओके, द मूव, ऑब्जर्व, बॉटम ऑफ द डेक इज सेक्रल चक्र एंड हीलिंग बिगिंस। ओके, गुड फॉर यू। आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की बात की जाए कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने अपने दिल पे कब्जा किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स पे, और सप्रेस करने में माहिर है। चाहे जितना मर्जी आपके लिए फील करते हैं, जो चीजें फील करते हैं, बिल्कुल भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पिंजरे में अपने दिल को कैद किया हुआ है आपके पार्टनर ने। इनका जब मन करेगा, जब ये ओके फील करेंगे, जब ये कंफर्टेबल फील करेंगे, ये आपसे शेयर कर देंगे या ये आप से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, कॉल्स मैसेजेस के जरिए आपके साथ मिलके जुलके सारी चीजें ठीक करें। बट आपके पार्टनर की क्लियर एनर्जीज है कि आपके पर्सन इस समय पे तैयार नहीं है। कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस की कमी हो सकती है, जिसके चलते आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है वो है फाइव ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर खुश नहीं है। अगर ये आपसे दूर है तो ये हैप्पी नहीं है। इनके दिमाग में किसी न किसी तरीके की टेंशन है। हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जानबूझकर इस रिश्ते से पीट की हुई है, शो नहीं कर रहे, या तो ऑलरेडी आपके बीच में कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, वर्स्ट हो गई हैं। दूसरा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या इनको इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करे। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पर्सन की लाइफ में जो तकलीफ दे रहा है इनको, जिसकी वजह से आप तक ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। जब इंसान का मन परेशान होता है तो वो क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है आसानी से। यहाँ पर 515 एंजल नंबर भी आया है निकल के। आपके पार्टनर कंप्लीट होते हैं तो भी आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, जैसे लो क्लास समाज सोसाइटी के फैक्टर्स, पैसा हो गया, ये किसी और थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, या अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, कुछ ऐसा जो इनकी मर्जी के बिना है और ये विवश हो गए हैं ऐसा करने पे। ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये चीजें खत्म हो तो ये आपकी तरफ एक्शन लें। कैसा एक्शन? इस रिश्ते को बांधे रखने के लिए कुछ एफर्ट्स जो ये लगाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को संभाल लिया जाए आपको सपोर्ट करके। इस रिश्ते में आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है अगर इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में टिकना है, ठीक है। आपके पार्टनर की क्लियर एनर्जीज है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, और या तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं या इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन ना, ये देखिए दोनों एक दूसरे की रिवर्स एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर हीलिंग आप ही के साथ फील करते हैं, सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते को आप और ये मिलकर सहेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ किसी सैड सिचुएशन की वजह से, एंशियस सिचुएशन की वजह से, ये करंट में वर्तमान परिस्थितियों में आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं कि इनकी हालत क्या है। हालांकि इनकी हीलिंग चल रही है, ये ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक इस एनर्जी में नहीं रहने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा ही, ठीक है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है और सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। तो ये रिश्ता तोड़ेगा अपने बंधनों को और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं चीजें ठीक करना, ठीक है। तो सही समय आ सकता है, इनकी एनर्जीज दिख रही हैं एफर्ट्स वाली। इस समय पर ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्लियरली नजर आता है, जैसे ये लड़कियां हैं या ये लड़के हैं आपके पर्सन के लाइफ में, जो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या कुछ मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती हैं, मतलब आपको चूज करना है उसके लिए यहाँ पर इनके हार्ट चक्र पे ही काम चल रहा है। वी हैव थ्री टाइम्स हार्ट चक्र एनर्जी, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक चेहरे को नोटिस कर रहे हैं, क्वालिटीज के साथ आपकी क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, और तब सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं।
चांसेस आपके हक में चीजें होने के सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपके साथ ही ये हीलिंग फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिसको ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। ओपन अप होकर ये आपसे बताएं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों इतने टाइम लापता थे और क्या सिचुएशंस इनके लाइफ में रही हैं। इन्होंने आपको देखा, या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम वहां गए थे या तुम वहां गई थी, तुम्हें मैंने उसके साथ देखा। बहुत सारी चीजें जिससे आपको पता चले कि यार इसने मुझ पर नजर तो बराबर रखी है, तो ये वो सारी चीजें भी आपको बता सकते हैं, शेयर करेंगे ये आपसे। इस समय फिलहाल आपके पर्सन खुद को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी से डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी दो बार आई है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। एंड अगेन वी हैव नंबर 6, 666 की वाइब्रेशन है कि आने वाले 6 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर कोई बड़ा चेंज आ सकता है। देखिए इस बार का जो न्यू मून है वो भी लियो में है, और लॉयंस गेटवे पोर्टल भी, 88 पोर्टल जिसे हम बोलते हैं, वो लग रहा है 8 तारीख को। ये एनर्जी भी जो निकल के आई है 6 डेज तक की आई है। इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ बड़े ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकते हैं। वी हैव 8 नंबर एनर्जी है, ठीक है, जो इस रिश्ते को कुछ पॉजिटिव अप्रोच तक लेकर जाए, चीजें ठीक हो और कुछ पावरफुल एक्शंस आपके रिश्ते में आने वाले समय में मूवमेंट ले, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये एनर्जी पोर्टल जो है सबसे हाई माना जाता है अब तक के सभी पोर्टल्स में, क्योंकि लॉयन की एनर्जी है ना, जो सेम टाइम पर जबरदस्त फायरी पैशनेट तरीके से एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी इसमें रहती है। तो अगर पार्टनर ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, इस टाइम फ्रेम तक के अंदर कुछ पावरफुल एक्शन ये ले सकते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।